भाग्य विधाता में पहले बिंदिया के पति को किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी बिंदिया से जबरदस्ती शादी करा दी गई और उसके बाद बिंदिया की कभी ना खत्म होने वाली दिक्कतें शुरू हो गई। लेकिन अब क्या होने जा रहा है भाग्य विधाता में? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और किडनैप होगा और एक और जबरदस्ती शादी होगी? सस्ते, अच्छे, टिकाऊ और सुशील वर की अगर आप खोज कर रहे हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9988776655। आपको क्या लगता है, अच्छा लड़का मिलता है कहीं? जी हाँ, ये नंबर है राजा भैया का, जिसने अपनी बहन बिंदिया की शादी कराई थी अपहरण करके बंदूक की नोक पर। और अब एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, एक बार फिर बंदूक की नोक पर करवाई जाएगी शादी और इस काम को और कोई नहीं बल्कि राजा भैया ही देंगे अंजाम। पिछली बार सहमति से शादी नहीं हुई थी तो बंदूक उठाना पड़ गया था। एक और शादी होनी है घर में, रेखा जो विनय की बहन है उसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो मुझे बता रही है, लेकिन मैंने तो बंदूक छोड़ दिया है उठाना। पता नहीं भाग्य विधाता ने क्या तय कर रखा, जो हमारे राइटर साहब हैं हम उनको भाग्य विधाता बोलते हैं। सिन्हा परिवार में मौका है इस बार बिंदिया की छोटी बहन पूनम की शादी का, जिसका शगुन लेकर पहुँचे हैं राजा भैया। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि राजा भैया चाहते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के बीच कुछ ऐसी साजिशें भी रची जा रही हैं जिसका पता राजा भैया को भी नहीं है। बेटी तुम्हें पता चल गया, उधर इसको पता चल गया कि इसके पैसे बचाने के लिए हम राजा भैया से कुछ अरेंजमेंट करवाना चाह रहे हैं। ये आप आगे देखिएगा। कुछ सुना आपने राजा भैया कि पुनपुन वाली ने क्या कहा? अब क्या है इसका जवाब आपके पास? इस तरह की शादी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, भाग्य विधाता जो चाहे। सही कहा आपने, सबकी जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। अब देखे ना, बिंदिया ने अपने ससुराल में एक अनोखी जोड़ी बनाई है, अपने पति विनय के साथ नहीं बल्कि पुनपुन वाले के साथ। पर्दे पर तो पुनपुन वाली बिंदिया के खिलाफ साजिशें करती दिखती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जरा देखिए इन दोनों के बीच कैसा दोस्ताना, माफ कीजिएगा कैसी दोस्ती है, जहां वो बिंदिया को बिंदिया लगाना सिखा रही है। मैंने सोचा है कि ये मैं तो कभी ज्यादा लाउड बिंदिया लगाती नहीं क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ वैसे भी, तो आज मैंने सोचा है कि कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और जो पुनपुन वाली हैं जिनका नाम स्मिता सिंह है, और तो मैंने सोचा कि आज मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला है तो उनकी स्टाइलिंग बड़ी कमाल की है। नहीं नहीं बिंदिया, ये मुझे नहीं, छी बहुत बेकार लग रहा है। हाँ तुम ये काम करो, तुम ये वाला ट्राई करो। नहीं नहीं तुम लगा के तो देखो, तुम ये लगा के देखो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बोलो ना, ये बहुत बड़ा लग रहा है, बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहा है। आप ये बिंदी ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों को आदत पड़ चुकी है मुझे देखने की, तो मुझे नहीं लगता, कहते हैं ना कि सादगी में ही खूबसूरती बसी होती है, तो भाभी हम सादगी में ही रहेंगे और अगर भगवान ने चाहा तो हम विनय जी का दिल भी सादगी से ही जीतेंगे। सुशीला उपाध्याय और निशिमा जेटली के साथ स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।